जय झूलेलाल। तव्हां सभई कीअं आहियो? मां आरुषि राजानी, आप सब कैसे हैं? मैं आरुषि राजानी, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ सिंधी स्पीकिंग, जो आप सीखने से आप ही मतलब बात करने लगे, आप समझने लगे। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आती है तो मेरे थ्रू आप ज़रूर समझे, आप किसी से बात करें सिंधी में। मैं यही हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अपनी सिंधी लैंग्वेज सिखा सकूँ। तो आज सबसे पहले, मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगी, मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के क्लिक करें, ताकि मेरी हर वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आज का टॉपिक रहेगा, मैं शादी में जाना चाहती हूँ। जैसे आपको किसी की शादी में जाने का मन है, आपके मम्मी पापा या आपके भाई बहन आपको मना कर रहे हैं, तो सिंधी में ही बोलूँगी, माँ शादी में वनंती चाहियां, मुझो भी मन आए। मैं शादी में जाना चाहती हूँ, मेरा भी मन है। जब आप ये मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो इसको रिपीट भी किया करो, क्योंकि रिपीट करने से क्या होता है, आपको चीज़ें जो सिंधी में मैं बोलती हूँ, शायद मैं भी आपको ना समझे, फिर भी आप उसको रिपीट करके देखेंगे ना, तो आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो ज़रूर समझ में आएगा। सेकेंड वाला वर्ड, मैं बर्थडे में जाना चाहती हूँ, सेम वही वर्ड है। चाहे वो आप शादी में जाना चाहते हो या बर्थडे में जाना चाहते हो, तो आप क्या बोलोगे कि मुखे बर्थडे में वनो आ, प्लीज़ मम्मी वरन दे, वनन दे, मतलब जाने दो, मेरा मन है, मुखे वनो आए। क्यों जाना है? मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझी बेस्ट फ्रेंड आए, मुखे वनो आए, प्लीज़ मम्मी, मम्मी को रिक्वेस्ट करके बोलो। क्योंकि सिंधी जो वर्ड ऐसा है जो हर माँ बाप को अपने बच्चे के मुंह से सुनना बहुत अच्छा लगता है। अभी जैसे US वाले रहते हैं, वो अपने बच्चे की लैंग्वेज हमेशा इंग्लिश में ही बात करना पसंद करते हैं, हमारी लैंग्वेज तो भूलेंगे नहीं। और हर किसी को अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है, चाहे वो मराठी हो या कोई भी भाषा हो, या मुस्लिम हो, कोई भी, हमें अपनी भाषा सबको अच्छी लगती है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि सिंधी वाले भी ये सिंधी ज़रूर सीखें, जो उनके बच्चे बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, या मैं भी उनको सिखा नहीं पाते, या पेरेंट्स भी अपने हिंदी में ही बात करेंगे तो बच्चा भी हिंदी ही बोलेगा। तो इसके लिए मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी सिंधी सिखाने से आपके बच्चे को या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर्स को आए। अभी तीसरा वर्ड है, मुझे यह खाना पसंद नहीं है, मुझे कोई खाना पसंद नहीं आता, तो मैं क्या बोलूँगी या आप क्या बोलोगे? मुखे हे खादो कौन ना पसंद आ, माँ हे खादो ना खाए ना, मुखे हे खादो, हे मतलब ये खाना, नथो वणे आई ना पसंद आए, मुखे बियो कुछ खपे, मेरे को दूसरा कुछ चाहिए, मैं आपके साथ काम करूं। जैसे आपकी मम्मी किचन में काम कर रही है, या पापा कुछ बिजनेस कर रहे हैं, बच्चा बड़ा हो गया, या कोई भी फैमिली मेंबर मन कर रहा है, तो क्या बोलना है? मैं आपके साथ काम करूं, माँ तमाशा घट कम करा, मुझे आपकी हेल्प करनी है, मुखे तवांजी हेल्प करनी आए। ठीक है, अभी मैंने तो ये लैंग्वेज सिखा दी, तो अभी मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगी, हर बार की तरह अपने माँ बाप की सेवा करें। एक चीज़ बताती हूँ आपको, जो मैंने अपनी लाइफ में ट्राई की है। अभी मैं थोड़ा सिंधी में भी बात करूँगी। माँ मुंहिंजी लाइफ में है घणो ॾिठो आहे कि असां जंहिंमहिल घर का ॿाहिरि वेंदा आहियूं, त असांजो कोई कमु नथो थिए, या असांखे ईअं लॻे थो कि अॼु मुंहिंजो कोई कमु थींदो कि न थींदो, त सभिनि खां पहिरीं तव्हां पंहिंजे माउ पीउ खां डिस्कस भी कंदा करो कि अॼु मुंहिंजे मन हल्को करो। कंहिंमहिल बि असां ॻाल्हायूं न त पंहिंजो मन हल्को करणु खपे, कंहिंखे चई करे असां अंदरि ई अंदरि फ्रस्ट्रेट थींदा आहियूं कि अरे मुंहिंजो कमु थींदो कि न थींदो। तो इसके लिए
मैं ये बोल रही हूँ कि अपने मन की बात हमेशा किसी से शेयर किया करो, किसी को बताया करो, चाहे अपने पेरेंट्स हो, क्योंकि पेरेंट्स के मन में हमेशा भगवान रहता है, वो खुद एक भगवान के जैसे ही होते हैं। तो एक माँ बाप के मन में से जो भी निकले, तो आप ये समझो कि आपको कुदरत भगवान ने ही जवाब दिया है। तो आप हमेशा, आपको लगे ना कि मेरा आज ये काम नहीं होने वाला है, तो घर से जाने से पहले काली मिर्ची लेने का, अक्खी वाली काली मिर्ची होती है, उसको दरवाजे के बाहर रख देने का, एक रोज़ ऐसे करने का, और जाने के टाइम पे पहले राइट वाला पैर उसकी मिर्ची के ऊपर दबा के उसको बाहर जाने का, तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। आप ये ट्राई करके देना। मैं खुद सिंधी हूँ, मैं मेरे हस्बैंड के ऊपर आजमा के देख चुकी हूँ, हर मीटिंग हो, हर चीज़ सक्सेसफुल हो जाती है। ये ज़रूर ट्राई करना अपने घर पे, और अपनी माँ बाप की सेवा करना, अपने माँ पी जो ध्यान दिजो, पहले माँ पी के कड़ी ना धुतका जो ताका हो, कुछ भी गुरन था उन्हें के दिजो। अगर हो फ्रस्ट्रेट टाइम खुश नाइन पंजे मन में उन्हें के कोई तकलीफ़ आता था, उन्हें के घुमाण वठी वनो, उन्हें के बैर कितने अड़ी जगह ते वठी वनो जितने वो पैनी लाइफ में ना घूमे आए। मतलब मैं बोल रही हूँ कि जहाँ वो नहीं घूमे हैं, वो अपनी लाइफ में आप उनको अपने उन घुमाइए, गार्डन लेके जाइए, योगा क्लास है, डांस क्लासेस है, आप उनको वो ज्वाइन कराइए, तो उनका 10 लोगों से बात होगी, 10 लोग मिलेंगे, बूढ़े मिलेंगे, उनके हम उम्र मिलेंगे, तो अपने डिस्कशन में वो लोग हमेशा खुश रहेंगे। तो मैं तो हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको ये वर्डिंग्स ज़रूर बोलूँ, सिंधी होने के नाते अपने माँ बाप की सेवा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है। जैसे हमें उन्होंने पाला, जीअं असांखे उन्होंने पालियो, असांखे भी उन्हनि खे हूअं ई पाले करे हमेशा लाइ पाण सां गॾु रखणो आहे, उन्हनि खे पाण सां कॾहिं अलॻि न करणो आहे, छो की हू असांजे लाइ जीअ आहिनि, असांखे हुननि जे लाइ जीअणो आहे। वीडियो ख़तम थी करां, तव्हां मूंखे ज़रूरु 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 सपोर्ट कजो, ठीकु आहे। जय झूलेलाल।